क्या आरव की जान बचा पाएगा व्यान? क्या इसी बीच कैलाश भी हो जाएगा व्यान से इम्प्रेस? वेल दोस्तों, सोनी टीवी के सीरियल कथा अनकही के आने वाले ट्रैक की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको देखने को मिलेगा किस तरह से कैलाश और व्यान दोनों आमने सामने खड़े होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आरव की वजह से। ऐसा लगेगा कि आरव का प्लान सक्सेस हो गया है क्योंकि आरव ने व्यान और कैलाश को एक करने की ठान ली है, क्योंकि उसे पता है कि उसके दादा यानी कि कैलाश जो है उसके रॉबिन यानी कि भाई व्यान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जिसके चलते आरव ने एक प्लान बनाया था। लेकिन बेचारा छोटा सा आरव खुद ही अपने प्लान में फंस गया और उसकी जान जो है अब मुसीबत में आ गई है। आप देख ही सकते हैं प्रोमो सामने आया था जिसमें आरव जो है एक ऐसे कमरे में घुस गया है जहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिसके बाद कैलाश और व्यान और कथा सबके सब बहुत परेशान है। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या होने वाला है। और आज के ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से कथा और आरव दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां पर आरव कथा से कहता है कि मम्मा एक बात बताओ कि दादाजी को रॉबिन अंकल क्यों पसंद नहीं है, वो इतने अच्छे हैं। इस पर कथा जो है वो कहती है कोई नहीं बेटा, टाइम लगेगा लेकिन सबको समझ में आ जाएगा कि व्यान कितने अच्छे हैं। अब आरव जो है सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कथा व्यान दोनों ऑफिस में आमने सामने बैठे हैं, जहां पर इन दोनों के बीच में खूब मस्ती मजाक चल रहा है। आप देख सकते हैं कैसे कथा व्यान दोनों एक दूसरे से अपनी बातें कर रहे हैं और अपने दिल को हल्का कर रहे हैं। वहीं पर आरव जो है वो भी बैठा हुआ है अपने दादाजी कैलाश के साथ और वो वहाँ पर कार्ड का गेम खेल रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरव जो है कैलाश को बोलने की कोशिश करता है कि भाई उसके व्यान यानी कि रॉबिन अंकल जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैलाश उसकी एक बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कविता जो है वो भी कैलाश को ये चीज बताने की कोशिश करती है कि व्यान सच में अच्छा है, लेकिन कैलाश किसी की एक सुनने को तैयार नहीं है। अब वही प्रोमो सामने आ चुका है। प्रोमो में व्यान को एक कॉल आया है। आप देख सकते हैं व्यान का चेहरा कितना शॉकिंग लग रहा है। व्यान को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। अब व्यान भागते भागते पहुंचने वाला है अपने बच्चे यानी कि आरव के पास। वहीं कैलाश को भी फोन आता है। कैलाश भी बहुत परेशान है। अब कैलाश व्यान दोनों आमने सामने टकराने वाले हैं, जहां कैलाश व्यान से पूछेगा कि क्या तुम भी आरव को ढूंढने आए हो। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आरव इन दोनों को साथ में देखकर खुश हो जाता है, लेकिन खुद को रूम में लॉक कर लेता है, जिसके बाद उस रूम में इलेक्ट्रिसिटी ब्लास्ट होने वाला है और आरव जो है उस रूम में फंस जाएगा, जहां कथा व्यान दोनों उसको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्यान जो है वो तो अंदर रूम में कूदने वाला है, जिसके बाद देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या व्यान जो है आरव को बचा पाएगा। आपका क्या कहना है कॉमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।